उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सूबे में अपराधियों के हौसले इस कदर बड़े हुए हैं कि वो पुलिस को भी निशाना बनाने में नहीं चूक रहे। मामला फतेहपुर के खांगा कोतवाली के हरदो का डेरा गांव का है, जहां भेस चोरी होने की सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची तो उन पर भी लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। बता दें कि इस दौरान टीम के करीब लगभग आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। इस हमले में करीब 5 पुलिस वालों को चोट भी आई। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि गांव में चोरी की भैंसे मौजूद हैं। पुलिस की टीम जब वहां पहुंची तो चोरी की भैंसे बरामद की, लेकिन हमलावरों ने पुलिस की टीम के ऊपर हमला करके भैंसे भी छुड़ा ली। वहीं इस हमले में खागा कोतवाली के SSI प्रभुनाथ यादव, SI अमरुद्दीन सहित 5 पुलिस कर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। मुकदमा SSI महोदय वादी है हमारे और इसमें धारा ये कार सरकार में बाधा है, चोरी की भैंस को छीन लेना और पुलिस मुजहमत तंगड़े में थी। हाँ, तो उसमें थोड़ा उजेला होने लगा तो बचाव करते हुए अपने आए। फिर हमारे इंस्पेक्टर आला अधिकारी मौके पर पहुँचे हैं, सभी लोग काफ़ी अधिकारी पहुँच गए थे और किए मूंदी चूट लाठी बल्लम लोहा लगे क्या लिए रहते हैं वो सब भी बच्चे टूट पड़े। उसके लल्लन खां के लड़के थे और भी पड़ोसी थे, नाम तो उन्हें जानते नहीं। मुकदमा लिख गया सब खिलाफ मुकदमा लिख गया। हाँ, सभी के खिलाफ कुछ नामजद हैं, पकड़े नहीं गए। 25-30 अज्ञात दबिश दी जाएगी, ठहर के दी जाएगी, भाग गए होंगे। फतेहपुर से अमन गुप्ता की रिपोर्ट।